हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे। मेरा नाम दस्ता है, तो मैं आज आपको जैसे कि हटना टॉप ब्लॉग वीडियो बनाते रहा दोस्तों, तो आज स्पेशली गया हुआ तो दोस्तों कल, लेकिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आज, क्योंकि दोस्तों कल मैं जब जयपुर गया था दोस्तों, तो ब्लॉग बनाना है नहीं बनाना है इस चीज़ में सोच नहीं पाया था। लेकिन जो सुंदरता है दोस्तों जसपुर ज़िले का, उस सुंदरता को देख के रहा नहीं गया और मैं स्पेशली दोस्तों ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों बने रही वीडियो में, देखते रहिए कि मैं जो मोमेंटम में दोस्तों गया हुआ था वो कैसा मोमेंटम था। और दोस्तों पूरी तरह से मनोहरा एरिया छानबीन कर गया, क्योंकि मनोहरा एरिया आस्था एरिया और लगभग दोस्तों अच्छे से मैं घूमा। और दोस्तों कहीं पास नेटवर्क था और कहीं पास नहीं था, लेकिन सारा चीज़ को दोस्तों अपने कैमरा में कैद किया हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में, देखते रहिए। आज दोस्तों जा रहा हूँ मैं जसपुर ड्रोन शूट में, ये कार है हमारी। मेरा सफ़र होता है दोस्तों जसपुर से स्टार्ट, और जसपुर से स्टार्ट होता है दोस्तों और KDS स्कूल है जिस रास्ते में, उस रास्ते में हम लोग दोस्तों सबसे पहले एंट्री मारे और उसके बाद में दोस्तों मनोरा विकासखंड में एंट्री मारे। और एंट्री मारने के बाद दोस्तों जो अमृत सरोवर है वो उस अमृत सरोवर का स्पेशली दोस्तों निरीक्षण करने के हिसाब से गए थे। और मैं अब स्पेशली दोस्तों अमृत सरोवर का ड्रोन शूट किया और फ़ोटो क्लिक किया। तो दोस्तों जो खूबसूरती है, हम लोग आए गए अमृत सरोवर तक, उस तक तो दोस्तों जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को स्पेशली दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो खूबसूरत देखने को मिला वो लाजवाब था दोस्तों। और आप लोग देख सकते होंगे कि हमारे जसपुर ज़िला में कितना शुद्ध वातावरण है और स्वच्छ वातावरण है, क्योंकि दोस्तों ये जो वातावरण है इसे देखने के लिए हम लोग अक्सर दोस्तों तरसते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतज़ार कीजिए और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए दोस्तों, और मेरी वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। ये है दोस्तों डुमर ट्रॉली, और ये दोस्तों कंस्ट्रक्टेड एरिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दोस्तों रोड में ही मसाला वगैरह बना रहे घर बनाने के लिए। और मुझे लगता है दोस्तों ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप लोग को क्या लगता है प्लीज़ आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कॉमेंट के हिसाब से भी कुछ कुछ सुनवाई होता है। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कॉमेंट जरूर कर लीजिएगा। डुमर ट्रॉली का गांव है ये, और ऐसे गांव बहुत सारा गांव है जिसमें दोस्तों रोड में ही स्पेशली वर्क करते हैं और अपने घर को इमारत बनाते हैं स्पेशली। तो उससे मुझे लगता है दोस्तों कि रोड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रोड में दोस्तों छोटे मोटे गाड़ी आते रहते हैं और बड़े गाड़ी भी आते रहते हैं, और बड़े गाड़ी और छोटे गाड़ी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों रोड का जो यूज करते हैं गाँव के जो लोग होते हैं वो प्लीज़ ना करें रोड का यूज, और जो भी साइड में एरिया होता है छोटा मोटा उस एरिया में अपने अपने काम को अंजाम दें। अभी मैं दोस्तों घाघरा क्षेत्र में फाइनली इंटर कर चुका हूँ, बोलते प्रवेश कर चुका हूँ, और मैं दोस्तों यहाँ पर का जो ड्रोन शूट करना है उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे। जो भी लोकेशन जाता हूँ जा रहा था दोस्तों फाइनली आप लोग को डिस्कस करके बता रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल दोस्तों हम लोग घाघरा में हैं और घाघरा एरिया का ड्रोन शूट करना है। तो यहाँ पास करने के बाद दोस्तों आगे निकलते हैं। ये जो गांव है दोस्तों, इस गांव को सैला गांव कहा जाता है, और मैं दोस्तों इस गांव में भी ड्रोन शूट करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ूँगा, क्योंकि दोस्तों जो भी गांव जा रहा हूँ वहाँ पर वातावरण का भंडार दोस्तों, क्योंकि वातावरण बोले तो पेड़ पौधे से घिरा हुआ क्षेत्र, और वही परिस्थिति है दोस्तों, क्योंकि सैला जो गांव है इस गांव में भी दोस्तों पेड़ पौधे से भरा हुआ एरिया लगा। और मुझे लगा दोस्तों कि आप लोग के साथ दिखाऊं आप लोग को और शेयर करूं मैं, तो स्पेशली दोस्तों इस गांव को दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। तभी फिलहाल दोस्तों शूट करने के बाद मिलता हूं। फाइनली दोस्तों मैं हूं अभी कौन से गाँव में तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये गाँव भी दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों चारों ओर जो वातावरण है दोस्तों पेड़ पौधे हैं और पहाड़ पर्वत हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और अभी यहाँ पर मैं करूँगा ड्रोन शूट, फिर दोस्तों यहाँ से लोग नेक्स्ट लोकेशन के लिए और जो बढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी तो दोस्तों वर्क करता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं आज सरोज भगत के घर के पास हूँ, और ये है दोस्तों सरोज भगत के घर,
क्योंकि दोस्तों अक्सर कभी कभी आते जाते हैं तो यही बताते जाते हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो परेशानी मैं बताया था डूमर टोली का जो परेशानी बताया था दोस्तों वही परेशानी दोस्तों हमारे सरोज भगत जी के गांव बस्ती का परिस्थिति है। और ऐसे दोस्तों रोड में अक्सर गाड़ी खड़ा करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गाड़ी वगैरह आते जाता रहता है और जो गाड़ी चालक रहते हैं उनको काफ़ी परेशानी होता है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग ऐसे बिल्कुल ना करें, वही मुझे लगता है कि समझदारी वाला काम है। फाइनली दोस्तों मैं मनोरा एरिया में फाइनली प्रवेश कर चुका हूँ और ये दोस्तों मनोरा एरिया। और मैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं ब्लॉग बना रहा था दोस्तों तो मैं कहाँ पहुँचा हूँ क्या क्या हूँ उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसलिए दोस्तों बहुत सफ़र कर रहा हूँ घर में अलग से, क्योंकि मुझे लगा कि दोस्तों एरिया को तो कुछ बहुत को जान रहा हूँ और कुछ बहुत को नहीं जान रहा हूँ। तो स्पेशली दोस्तों जो जिस एरिया को जान रहा था और नहीं जान रहा था वहाँ ला वही सफर करने की जरूरत नहीं था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैं स्पेशली आप लोगों को गाइडलाइन किया हूँ और बताया हूँ कि ये गांव है वो गांव है करके बताया हूँ, ताकि अभी दोस्तों आप लोग को परेशानी का सामना ना कर पड़े वीडियो में। और मैं स्पेशली दोस्तों वीडियो बनाते हुए जिस गांव में अभी हम लोग जाना है दोस्तों उस गांव में हम लोग फाइनली जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे दोस्तों उस गांव का जिक्र करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में देखते रहिए। जसपुर जिला दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से घिरा हुआ है और वैसे ही दोस्तों जिस गाँव में जा रहा हूँ वो गाँव का भी कंडीशन कुछ ऐसा ही है। और मनोरा से दोस्तों मैं निकला हूँ लोखी की ओर और फिलहाल दोस्तों इधर का जो वातावरण है बहुत ही मस्त है दोस्तों। और इधर दोस्तों अगर हम नॉर्मल चले बाइक वगैरह में, जैसे कि देखिए तीन लोग बैठे हैं दोस्तों, और फिलहाल दोस्तों ये लोखी है यहाँ पर उसका जो शूट करना है उसके बाद हम लोग जो गाँव जाएँगे उस गाँव को डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। तो ये तो फिलहाल दोस्तों लोखी पहुँचते हैं और वहाँ पर शूट करते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो वातावरण है जसपुर जिला का दोस्तों अलग ही लेवल का एक परिचय देता है दोस्तों कि हम जसपुर जिला में हैं। और वही वाला कंडीशन दोस्तों कि जसपुर जिला में हैं तो वाकई में वातावरण से हम अटैचमेंट रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं अपने लोकेशन की ओर। फाइनली दोस्तों लोग लूखी पहुँच चुके हैं और ये गाँव में दोस्तों स्पेशली नेटवर्क वगैरह बिल्कुल नहीं है और दोस्तों थोड़ा सा परेशानी तो होता है, लेकिन दोस्तों ये जो गाँव है वो काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल दोस्तों लोग अपने काम करते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बच्चे लोग स्पेशली ड्रोन देखने लग रहे हैं तो मैं इन लोग को स्पष्ट कराता हूँ दोस्तों, क्योंकि इन लोग को छूने का मन भी कर रहा होगा बिल्कुल बहुत ओढ़ा ही नहीं दो हूँ छुए के देखे देता हूँ ले छुके देखो और नाम बताओ अपना। नित्याश बोल दे। क्या नाम बाबा बता। नित्याश ड्रोन छुए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बोलो। ले छुके देखेगा नाम बता अपना। ये ड्रोन को छु रहा है दोस्तों देखिए अच्छा लग रहा ना। ठीक है अब उड़ रहा था ऊपर देखना कैसे लगा। कभी देखे थे पहले अच्छा पहले देखे थे नहीं देखे थे ना। कपरुल गांव में है और ये गांव भी दोस्तों जैसे लूखी देखने को मिला वैसे ही ये गांव भी है और बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों कि ऐसे गांव को आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज का जो सीन है अमृत सरोवर जो बनाया गया है उसका मैं दोस्तों स्पेशली ड्रोन शूट कर रहा हूँ। और उस शूट करने के बाद जो हम लोग रास्ते में जो अनुभव लेते हुए बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि ऐसे सीन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये देखिए कपरुल इस गांव को भी देखते हुए मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं और आप लोग को दोस्तों और भी अच्छे अच्छे जो जसपुर ज़िला में है वो गाँव को दिखाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए दोस्तों। फिलहाल दोस्तों अभी ये जो गाँव है कपरोल मुझे बताया गया, लेकिन गांव जो भी दोस्तों ये जसपुर ज़िला है। दोस्तों आज जसपुर ज़िला का भ्रमण कर रहा हूँ मैं ऐसा लग रहा है। इधर देखिए दोस्तों इधर खूबसूरत सीन वाह मस्त।
दोस्तों जंगल झाड़ी के बीच में ये गांव बसा हुआ है। अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग कांटा बेल में हैं, और कांसा बेल तो दोस्तों आप लोग अक्सर सुने होंगे, लेकिन जसपुर जिला में दोस्तों कांटा बेल करके मैं पहली बार सुना, तो आप लोग को भी स्पेशली दिखा भी दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो गांव है ये कांटा बेल गांव है। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ उसका जो शूट है उसको करने के बाद नेक्स्ट लोकेशन जहाँ भी होगा उसको बताऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों इंतजार किया और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मनोरा के जिस गांव में हूँ उस गांव का नाम देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत कांटावेल, जनपद पंचायत मनोरा, जिला जसपुर। अरे दोस्तों हमारी कार लगी है और सोलर प्लेट लगा हुआ है। अरे दोस्तों मुर्गी शेड जो भी दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है वो सिज है। फिलहाल दोस्तों मैं मनोरा में हूँ और अभी दोस्तों जाने वाला हूँ आस्था की ओर, क्योंकि दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद ही अब निकलूँगा मैं इस ऑल्टो में। तो फिलहाल ले दोस्तों है मनोरा, और फिलहाल दोस्तों मैं इस होटल में खाना खा लेता हूँ। ये दोस्तों मनोरम में मेरा खाना खा पी के मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे घूंगा, और फिलहाल दोस्तों मैं जो गांव था उसको सबको बताया भी और दिखाया भी, और अभी दोस्तों खोगा के लिए हम लोग घूंगा की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों जो भी गांव जाएंगे उसको बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों ये इधर का जो सुंदरता है, प्राकृतिक वाला सौंदर्य जो है उस चीज़ को देखते हुए लग दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगल बगल जो पेड़ पौधा है दोस्तों ये दोस्तों अलग ही लेवल का दर्शाता है जसपुर जिला की जो खूबसूरती है उसको। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों जसपुर जिला की जो खूबसूरती है उसको दिखाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और फिलहाल दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज जो है जसपुर ट्रैवलिंग किट नाम से निकला हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों जसपुर में आया वैसे ही दोस्तों मनोरा विकासखंड में शूटिंग किया, उसके बाद दोस्तों आस्था में आ चुका हूँ, और अब दोस्तों आस्था में करने के बाद हो सकता है दोस्तों जसपुर जाने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप लोग बन रहिए और देखते रहिए। ये दोस्तों खोंगा गांव, सब गांव दोस्तों अपने अपने में मस्त रहता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो गाँव है वो कुनकुरी है, लेकिन कुनकुरी में दोस्तों ऐसे पेड़ पौधे वगैरह देखने को नहीं मिलता है। स्पेशल दोस्तों अगर जसपुर जिले में घूमें तो मुझे लगता है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों, और बाघ भालू भी देखने को मिलता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये जो खोंगा गांव है दोस्तों यहाँ पर से देखिए दोस्तों सबसे खूबसूरत घर मुझे लगता है दोस्तों खोंगा गांव का यही होगा, और यहाँ पर दोस्तों केला का पौधा जो है अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों जो खेंगा है उस गाँव का अलग शूट करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली अभी सरडे जा रहे हैं, और अभी सरडे शूट करने के बाद दोस्तों अभी आस्था में जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों जो बॉर्डर है वहाँ पे जाऊँगा। अभी तो फिलहाल दोस्तों आस्था तक जाऊँगा, उसका सफ़र जो होगा उसको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों जो बॉर्डर तक जाने का जो सफ़र होगा उसको भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों मुझे लगता है थोड़ा शाम भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा सिचुएशन को देखते हैं और मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। अभी तो फिलहाल दोस्तों रास्ते में है, तो फिलहाल दोस्तों बड़े बूढ़े में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों अभी जिस एरिया में दोस्तों इस एरिया में तो नेटवर्क के मामले बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है दोस्तों, और भी ऐसे कोई ऐसा गांव गया था जो दोस्तों जहां पर नेटवर्क नहीं था, लेकिन दोस्तों ऐसे साइट में हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो काम करते हैं उनको किस टाइप से अपना लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों उसको वही लोग जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आते हैं और अपना जो टाइम को स्पेंड करते दोस्तों बिताते हैं उसको उन्हीं लोग जानते हैं दोस्तों कि किस लेवल के यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो आज के समय में मुझे लगता है नहीं कि दिन कटता है। तो फिलहाल दोस्तों मेरे सामने में तो नेटवर्क के लिए टावर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी दोस्तों नेटवर्क नहीं लगा है ऐसा लग रहा है। अभी तो दोस्तों इसके ऊपर छतरी नहीं लगा है और लाइट भी नहीं लगा है बिल्कुल भी, बाकी यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्द आ सकता है ऐसे उम्मीद जताया जा सकता है। तभी तो फिलहाल दोस्तों हम लोग इस गाँव से आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी शूट करा है दोस्तों उस लोकेशन में पहुँचेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतजार किया और देखते रहिए। दोस्तों मैं हूँ आस्था में, और अभी दोस्तों आस्था का शूट कंप्लीट हो चुका है, और अब दोस्तों मेरे जाना है जो बॉर्डर था दोस्तों जिक्र कर रहा था बॉर्डर का, उसी बॉर्डर के पास जाना है और वहाँ पास शूट करके हम लोग डायरेक्टली जसपुर की ओर आना है, और जसपुर में दोस्तों कौन सा डिसीजन लिया गया है और क्या बोला जाएगा उस चीज़ का इंतजार करके दोस्तों वही पास मुझे देखते हैं क्या करना पड़ता है, क्योंकि अभी दोस्तों
जब तक हम लोग वहाँ से छूट करके आएंगे नहीं तब तक हम लोग काम नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बड़े बड़े देखते रहिए और कहाँ हम लोग जा रहे हैं उसको बताऊँगा दोस्तों और दिखाऊँगा भी। ये रास्ता में दोस्तों बस आया था लेकिन पूरी तरह से गया नहीं था, इसलिए दोस्तों मेरे लिए है ये रोड नया। और दोस्तों आज मैं जिस गांव जा रहा हूं दोस्तों उस गांव को तो दोस्तों जाऊंगा उसी के बाद बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बॉर्डर एरिया है। फिलहाल दोस्तों कैसा एरिया है क्या है उसको मेरे वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो देखते हैं दोस्तों उस एरिया में जाके और उस एरिया का दोस्तों गाँव का नाम भी बताऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं फाइनल पहुंच चुका हूं जहां पर दोस्तों मैं आप लोग के सामने जिक्र किया था। अरे फिलहाल दोस्तों यहां पर देखिए, अरे दोस्तों मेरे सामने देखिए गांव देहात वगैरह दिख रहा है। और फिलहाल दोस्तों इधर का जो शूट करना है उसको करता हूं, फिर उसके बाद लोग कहाँ से निकलते हैं। फिलहाल दोस्तों आज का जो सफ़र था वो फाइनली जसपुर ट्रैवलिंग करने के हिसाब से था दोस्तों, और मैं भाटा पार्ट में हूँ और मैं दोस्तों डायरेक्टली अभी निकल रहा हूँ जसपुर की ओर। जसपुर से दोस्तों देखते हैं घर जाने का ऑप्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि रात होगा तो दोस्तों ऑप्शन फाइनली बन ही जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पास का जो भी मोमेंटम था दोस्तों उसको मैं अपने सारे ड्रोन में कैद कर चुका हूँ और अब निकल रहा हूँ दोस्तों अपने घर की ओर। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा दोस्तों आज का जो मेरा टूर था वो टूर प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।